किसी भी सक्सेसफुल ट्रेडर के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये उन्हें ट्रेडिंग में होने वाले बड़े लॉस से बचाता है। आज हम इस वीडियो में आपको स्टॉप लॉस के बारे में पूरी जानकारी देंगे, जैसे कि स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होता है, ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस कब और कहाँ कैसे लगाते हैं, और स्टॉप लॉस कितने प्रकार के होता है। अगर आपने किसी भी शेयर मार्केट में या ट्रेडिंग की है या फिर करने वाले हैं, तो कृपया इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि स्टॉप लॉस को समझने से आप ट्रेडिंग में होने वाले बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं। तो हेलो गाइस, माय नेम इज़ रोहित कुमार एंड यू आर वाचिंग रोहित ऑफिशियल जीरो चैनल। अगर आप भी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अच्छी अच्छी जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टॉप लॉस शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला स्टॉप और दूसरा लॉस। स्टॉप का मतलब है रुकना और लॉस का मतलब है नुकसान, यानी कि स्टॉप लॉस का मीनिंग होता है नुकसान को रोकना। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते समय आप स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाकर अपने नुकसान को लिमिट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा जानते हैं कि स्टॉप लॉस लगाना क्यों ज़रूरी है, ये बहुत ही लोगों के मन में ख्याल आता होगा। तो जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो शेयर का प्राइस बहुत कम समय में तेज़ी से बदलता है, और ऐसे में ही तेज़ी प्रॉफिट होने के साथ साथ तेज़ी से नुकसान भी हो सकता है। और ऐसे में जब हमें प्रॉफिट होता है तब तो हम अपना ट्रेड जल्दी लॉस क्लोज कर देते हैं, लेकिन जब हमें लॉस होने लगता है तो हम अपना ट्रेड इस उम्मीद से जल्दी से क्लोज नहीं करते, क्योंकि शायद थोड़ी देर में हमें फिर से प्रॉफिट होने लगेगा या हमारा लॉस कम हो जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इस इंतज़ार में हमें और ज़्यादा लॉस होता चला जाता है, और आखिर में हमें अपना ट्रेड एक बड़े नुकसान के साथ क्लोज करना पड़ता है। एक बड़े सक्सेसफुल ट्रेडर ने कहा था कि इफ़ यू कांट टेक ए स्मॉल लॉस सूनर और लेटर यू विल टेक द मदर ऑफ ऑल लॉसेस। इसका मीनिंग होता है कि अगर आप ट्रेडिंग में एक छोटा लॉस नहीं ले सकते हैं तो आपको बहुत जल्द एक बड़ा लॉस लेना पड़ेगा, यानी कि अगर आप ट्रेडिंग में एक छोटा लॉस जल्दी से जल्दी क्लोज करना नहीं सीखेंगे तो आपको एक ना एक दिन बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ेगा। और एक सफल ट्रेडर इस बात को बहुत अच्छे से समझता है, इसलिए वह ट्रेडिंग करते समय स्टॉप लॉस का उपयोग ज़रूर करता है। चलिए आप जानते हैं कि ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस ऑर्डर का यूज कैसे करते हैं। तो आपको बता दें कि स्टॉप लॉस ऑर्डर का इस्तेमाल हम केवल तभी करते हैं जब हमने पहले से ही कोई पोजीशन ले रखी हो। अब थोड़ा सा एग्जांपल के लिए बता दें कि अगर आपने एक शेयर बाय किया है तो हम उस पर एक सेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा सकते हैं, या फिर अगर हमने एक शेयर शॉर्ट किया है तो मतलब बेचा हुआ है तो हम उस पर बाइंग स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा सकते हैं। आप जानते हैं कि स्टॉप लॉस ऑर्डर और नॉर्मल ऑर्डर में क्या डिफरेंट है। तो स्टॉप लॉस ऑर्डर नॉर्मल बाय सेल वाले ऑर्डर से थोड़ा अलग होता है। नॉर्मल बाय या सेल वाले ऑर्डर को हम सिर्फ नॉर्मल मार्केट ऑर्डर या लिमिट ऑर्डर की तरह ही लगाते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस ऑर्डर में आपको ऑर्डर लगाते समय एक ट्रिगर प्राइस सेट करना पड़ता है, और जब ट्रिगर प्राइस आता है तो हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर एक्टिवेट होकर मार्केट में चला जाता है। आप जानते हैं कि स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है। स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाने के लिए हमें सबसे पहले यह डिसाइड करना पड़ता है कि हम अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर को मार्केट ऑर्डर की तरह लगाना चाहते हैं या लिमिट ऑर्डर की तरह। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि अगर हम स्टॉप लॉस ऑर्डर को मार्केट ऑर्डर की तरह लगाएंगे तो क्या होता है। अगर हम अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर को मार्केट ऑर्डर की तरह लगाएंगे तो हमें बस उसमें एक ट्रिगर प्राइस सेट करना होगा। इस प्रकार के ऑर्डर को स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर कहते हैं, और इस ऑर्डर को लगाने के बाद जैसे ही हमारा लगाया गया ट्रिगर प्राइस आएगा तो हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा, और उस समय जो भी मार्केट प्राइस होगी उस पर वह ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। आइए अब देखते हैं कि अगर हम अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर को लिमिट ऑर्डर की तरह लगाएंगे तो क्या होता है। अगर आप अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर को लिमिट ऑर्डर रखते हैं या लगाते हैं तो हमें उसमें अपने ट्रिगर प्राइस के साथ एक लिमिट प्राइस भी सेट करना होगा। इस प्रकार के ऑर्डर को स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर कहते हैं।
इस ऑर्डर को लगाने के बाद जैसे ही हमारा लगाया गया ट्रिगर प्राइस आएगा तो हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा और हमारे सेट किए गए लिमिट प्राइस पर एक ऑर्डर लग जाएगा और वो लिमिट प्राइस आने पर हमारा ऑर्डर सफलतापूर्वक एग्जीक्यूट हो जाएगा। आइए अब हम इन दोनों के प्रकार के स्टॉप लॉस ऑर्डर यानी मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर का एग्जाम्पल से देख लेते हैं। मान लो आपने कोई शेयर 100 रुपये की प्राइस पर ख़रीदा और आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा यानी मैक्सिमम 3 रुपये की लॉस उठाना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि चाहे यह स्टॉक कितना भी गिर जाए लेकिन मुझे 3 रुपये से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, यानी कि मैं एक शेयर 3 रुपये से ज़्यादा नुकसान नहीं सहन कर सकता। अब क्योंकि यहाँ पर आपने शेयर पहले से ही बाय कर रखा है तो आप सेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाएंगे। यह ऑर्डर लगाने के लिए सबसे पहले आप अपने शेयर के लिए सेल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ऑर्डर टाइप में स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर सिलेक्ट करेंगे। इसे ब्रोकर ऐप में शॉर्ट में SLM भी लिख दिया जाता है, इसलिए कंफ्यूज मत होना, ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही है। वहीं पर आपको ट्रिगर प्राइस डालने का ऑप्शन दिखेगा। अब क्योंकि आप 100 रुपये के स्टॉक पर मैक्सिमम 3 रुपये का स्टॉप लॉस लेना चाहते हैं, इसलिए आपको ट्रिगर प्राइस को 100 रुपये में से 3 रुपये कम यानी 97 रुपये डालना होगा। इसके बाद ऑर्डर प्लेस करते ही आपका स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो जाएगा। इस ऑर्डर को लगाने के बाद जैसे ही आपके शेयर की प्राइस कम होकर 97 रुपये तक हो जाएगी, हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा। ट्रिगर होते ही एक सेल मार्केट ऑर्डर स्टॉक एक्सचेंज पर चला जाएगा और हमारा शेयर अपने आप सेल हो जाएगा। तो इस प्रकार आप अधिक नुकसान होने से बच सकते हैं, क्योंकि हो सकता था कि अगर आपने स्टॉप लॉस ऑर्डर न लगाया होता तो वह शेयर 50 रुपये तक गिर जाता और ऐसे में आपका एक शेयर पर 50 रुपये तक का नुकसान भुगतना पड़ता, ठीक। और इसलिए ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके द्वारा आप अपने नुकसान को लिमिट कर सकते हैं। जैसा कि आपने पीछे एग्जांपल में एक शेयर पर अधिक से अधिक 3 रुपये का लिमिट कर दिया था, ठीक इसी प्रकार आप अपने रिस्क के अनुसार स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेडिंग में होने वाले बड़े नुकसान से बच सकते हैं। अब इस एग्जांपल में हमने बात की कि स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर के बारे में, चलिए अब जानते हैं कि स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर के बारे में, ठीक। स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर क्या होता है? स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर को लगाने की पूरी प्रक्रिया लगभग पीछे मैंने बता दी कि किस तरह, बस आपको ऑर्डर टाइप में मार्केट ऑर्डर की जगह लिमिट ऑर्डर का ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ता है, बाकी पूरी प्रोसेस लगभग सेम है। लेकिन फिर भी आइए अब देखते हैं एग्जांपल के जरिए। मान लो आपने कोई शेयर 100 रुपये के प्राइस पर ख़रीदा और आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा 3 रुपये का लॉस लेना चाहते हैं। अब क्योंकि आपने शेयर पहले से ही बाय कर रखा है तो आप सेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाएंगे। यह ऑर्डर लगाने के लिए सबसे पहले आप अपने शेयर के सेल ऑप्शन पर क्लिक करें, इसके बाद ऑर्डर टाइप पर स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर सिलेक्ट करें। यह ऑर्डर टाइप में शॉर्ट में SL लिखा होता है। इसके बाद वहाँ पर आपको 2 प्राइस सिलेक्ट करना ऑप्शन दिखाई देगा, ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस, क्योंकि हम एक शेयर पर अधिक से अधिक 3 रुपये का नुकसान उठाना चाहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि जब शेयर की प्राइस 100 रुपये से 3 रुपये कम यानी 97 रुपये आए तो हम शेयर काफ़ी सेल हो जाए। इसलिए आपको ये जो 2 ऑप्शन दिखाई देंगे इसमें लिमिट प्राइस को 97 रुपये सेट कर देना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रिगर प्राइस में क्या डालना है, तो आपको बता दें कि आपको ट्रिगर प्राइस में हमेशा लिमिट प्राइस और बाई प्राइस के बीच में सेट करना पड़ता है, क्योंकि जब शेयर की प्राइस कम होगी तो हमारा ट्रिगर प्राइस हमारे लिमिट प्राइस से पहले आना चाहिए, तभी तो ट्रिगर प्राइस आने पर हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर एक्टिवेट होगा और हमारे सेट किए हुए लिमिट प्राइस पर एक लिमिट ऑर्डर स्टॉक एक्सचेंज के पास चला जाएगा। तो यहाँ हम अपने ट्रिगर प्राइस को 100 रुपये और 97 रुपये के बीच यानी 98 रुपये सेट कर देंगे। इतना करते हम अपना स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर प्राइस प्लेस कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही हमारे शेयर की प्राइस कम होकर 98 रुपये आएगी तो हमारा ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा और एक सेल ऑर्डर एक्सचेंज के पास चला जाएगा। फिर जब शेयर की प्राइस थोड़ी और कम होकर 97 रुपये आएगी तो आपका शेयर सेल कर दिया जाएगा।
तो इस प्रकार आप स्टॉप लॉस लिमिट और ऑर्डर लगाकर ज़्यादा नुकसान से बच जाएंगे। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस की मीनिंग क्या होती है यानी इसका अर्थ क्या होता है, स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना क्यों ज़रूरी है और स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपको बहुत ही अच्छी समझ में आया होगा और प्लस में बहुत ही उपयोग में साबित होगी। ठीक, तो गाइस मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, ताकि और भी लोग ट्रेडिंग में लॉस से बचे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर बताएं, और थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड वंदे मातरम।